भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरि और आज मैं मदुरई में एक बहुत स्पेशल रीजन की वजह से रुका हूँ। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हो और जो बिरयानी देख रहे हो, इसकी प्रेपरेशन शुरू से लेके एंड तक इसकी सारी प्रेपरेशन, इसकी सर्विंग और इसमें क्या स्पेशल है, इसकी वजह से इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे, सब आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ भाई साहब नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। यहाँ पे कहते हैं 2 क्विंटल बिरयानी जो है 2 घंटे में बिक जाती है और सुबह और शाम अलग अलग टाइम पे ये भगोने जो है बन के तैयार होते हैं। मदुरई की सबसे ज्यादा स्पेशल बिरयानी यही है। ऐसा गुंदू भाई जो है वो आ चुके हैं। गुंदू भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिरयानी दिखाइए सर, आपकी बहुत ज्यादा फेमस है। कितने साल से लगा रहे हैं आप? चालू करके 2 साल हो गया। 2 साल पहले रास्ते में चालू किया था जी, अभी 3 दुकान हो गया, बड़ा दुकान जी, उधर भी एक दुकान ले लिया भाई जी, में। जी। अभी बस स्टैंड पाटदारी बस स्टैंड, अच्छा उधर भी एक दुकान है। अरे वाह, अभी मदुरई में 3 दुकान है। तो आपने गली से सड़क से शुरू किया था तब 3 दुकान हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड दिखाइए अभी बिरयानी बनाते कैसे। पूरा मदुरई जो है इनकी बिरयानी का दीवाना है और ऐसा क्या खास है अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसमें आ गया रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आ गया और लिफाफे यहीं पे लगा दिए ताकि अच्छे से निचोड़ जाए। कुंदु भाई कितने पैकेट? 6 पैकेट। 6 पैकेट रिफाइंड ऑयल जो है वो जाएगा 30 किलो। यहाँ 30 किलो बिरयानी जो है वो बन रही है। ये आ गई मिर्ची, ओ वाह क्या बात है, ये हरी मिर्च है छोटे साइज की फ्लेवर के लिए। और ये आ गया प्याज, ये पुदीना और धनिया मिक्स, टमाटर एकदम बढ़िया चॉप टमेटोज है, स्लाइस टमेटोज। और ये आ गया प्याज। कुंदु भाई प्याज को क्या कहते हैं तमिल में? वन्यम। और अब इसको अच्छे से हिलाया जाएगा, ये देखो। एक पैकेट और ऑयल और ये कुछ खड़े मसाले हैं। इसमें क्या क्या है सर? ये है जी दालचीनी, ये स्टार, इसमें दालचीनी है, स्टार है और भाई साथ ये देखो तोड़ दिया। और जैसे कि नवाब साहब ने बताया था लखनऊ में कि हैदराबादी बिरयानी जो है उसमें खड़े मसाले जाते हैं, आपकी जबान पे और आपके नाक में उसका फ्लेवर जो है बराबर से आएगा। ये सारे खड़े मसाले, बाकी के खड़े मसाले हैं वो राइस के अंदर जाएंगे, राइस की प्रेपरेशन अलग से हो रही है। इसमें भी हरिया धनिया और पुदीना, ये है भाई साहब नमक, आधा किलो नमक, ये आ गए राइस, ये दावत के पंजाब राइस हैं और भाई ये तो एकदम बढ़िया बासमती है भाई साहब। अभी देखो चिकन की क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले तो चिकन जो है विद स्किन है, 20 किलो चिकन को पानी से अच्छे से धोया जाएगा। चिकन के एक एक पीस में से जो गंदगी है वो साफ करके फैट निकाल के विद स्किन चिकन है इसको अच्छे से साफ कर लिया जाएगा भाई। एक एक पार्ट जो है चिकन का उसको अच्छे से धो के ताकि जितनी भी गंदगी है जो एक्स्ट्रा चीज है वो निकाल जाए। अदरक और लहसुन की पेस्ट ये आ गई है एक ही बार में भाई, पूरी बाल्टी पलटा दी है। अब जो है जो खुशबू है और बेटर हो जाएगी, अदरक और लहसुन की तो खुशबू कमाल है यार। ये सारे मसाले जो है गरम मसाला बना रखा है उसका, दही। अरे वाह, अब आ गया दही चिकन की ग्रेवी को एकदम बढ़िया क्रीमी और बढ़िया जबरदस्त फ्लेवर देने के लिए दही डाल रहे हैं। कितने पैकेट दही आएगा? 3 लीटर दही। अरे वाह, जो मसाले वाला पानी है जो अभी बॉईल किया है भाई साहब, ये अब आएगा इस पतीले के अंदर, एकदम फ्लेवर वाला पानी है ये भरा हुआ, इसमें सारे खड़े मसाले हैं, धनिया पुदीना है। इस पानी को अब डाला जाएगा तरी के लिए, चिकन की तरी के लिए, और वही गरम मसाला जो है वो अब चिकन में डाल दिया जाएगा ताकि एक हल्की सी मैरिनेशन हो जाए और चिकन जो है उसका फ्लेवर एकदम दमदार हो जाए। ये आ गया दही मैरिनेशन के लिए और दही डाल के मसाले डाल के अच्छे से अब इसको मिक्स कर लिया जाएगा। जो चिकन उन्होंने धोया था उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया जाएगा। मैरिनेटेड चिकन जो है ये आ जाएगा इस बिरयानी के मसाले के अंदर। कुंदु भाई आपका नाम कुंदु भाई कैसे पड़ा? अच्छा कुंदु भाई मतलब तमिल में कुंदु मतलब मोटू। अच्छा
मोटूभाई। अच्छा हिंदी में बोले तो मोटूभाई, तमिल में बोले तो गुंडूभाई। जी 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 सब लोग गुंडूभाई गुंडूभाई बुलाया था मुझे। जी 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 दुकान नाम ऐसे रख लिया मैंने। सही है सही है। और ये ऊपर से धनिया पुदीना और जितने राइस इन्होंने भिगोए थे अब उनको छान लिया जाएगा, क्योंकि भाई बढ़िया तरीके से बासमती राइस जो है। अब देखो इस मसाले में, मसाले वाले पानी में राइस आ गए हैं। मसाले का जो फ्लेवर है, मसाले की जो खुशबू है और मसाले का जो जायका है वो राइस के अंदर, बासमती राइस के अंदर अच्छे से घुस जाएगा। कमाल है यार। और भाई साहब ये 20 किलो उबले हुए राइस जो है मसाले में अच्छे से पक चुके हैं और अब इनको दम के लिए रेडी किया जा रहा है। दम लगाने के लिए इनको निकाला जा रहा है और छाना जा रहा है। जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल रहा है इसमें से। इधर ये बढ़िया चिकन की जो यखनी है वो भी रेडी हो गई है। बहुत कमाल लग रही है यार, एकदम एरोमेटिक, जबरदस्त स्पाइसेस के साथ, प्याज और टमाटर की ग्रेवी है, साथ में लहसुन अदरक है और एकदम जोरदार इसका फ्लेवर आ रहा है, इसका अरोमा आ रहा है। दम लगाने के लिए अब राइस जो है इस पतीले में डाल लिए जाएंगे। ये देखो वाह कमाल। और अब इसको फ्लैट कर लिया जाएगा, दबा लिया जाएगा ताकि बिरयानी के भगोने में जितना एरिया वो सारा का सारा कवर हो जाए और राइस और चिकन आपस में अच्छे से मिल जाए। और भाई ये देखो एक चाय वाले पतीले से इसको फ्लैट करते हैं ताकि सब तरफ से दब जाए। फ्लैट करने का जो स्टाइल है थोड़ा सा कैजुअल है बट मजेदार। ये गर्म पानी, थोड़ा कलर जी, ये सैफरन रंग है, दूसरा कलर है येलो, ये येलो कलर है, एक सैफरन कलर है, एक येलो कलर है। और ये आ गया जी बरिस्ता। अरे वाह काजू आ गया। कुंदू भाई आपने सीखा किधर से? मुंबई कोलकाता सब जगह पे काम किया मैंने। अच्छा पहले आपने बहुत जगह पे काम किया फिर सीखा जी, फिर उसके बाद आपको जब आ गया तो आपने खुद का दुकान खोल लिया? छोटा सा खोला था मैंने जी, 5 किलो में चालू किया। अच्छा अभी ये तीन का 150 किलो 200 किलो। वाह 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 वाह। अभी ये 3 बजे खत्म हो जाएगा बिरयानी जी, सेकंड 4 बजे चालू कर लेगा, सेकंड 4 के लिए जी जी, 7 बजे रेडी हो जाएगा। अरे वाह सब बिरयानी 3 बजे खत्म हो जाएगी, सब बिरयानी 3 बजे 7 बजे के 2 घंटा रेस्ट है जी, फिर वापस 4 बजे चालू कर लेगा। ओके काम करने के लिए जी, 7 बजे बिरयानी रेडी हो जाएगी। अरे वाह तो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं आप। और अब इसको ये ऊपर से दम कर लिया जाएगा। और ऊपर से भाई एक भरा हुआ भगोना जो है वो रख दिया है, एक पतीला बड़े वाला वो रख दिया है ताकि ऊपर वेट आ जाए। क्या बात है, इसमें पानी भर देंगे ताकि ऊपर कम से कम 10-12 किलो जो है वो वेट आ जाए एंड ये दम अच्छे से लग पाएगा। और ऊपर से ये पत्थर रख दिए हैं भाई, काफी जबरदस्त ऊपर दम लगाते हैं। अभी जो इस 60 किलो बिरयानी को दम किया है इसको अब मूव किया जाएगा और दूसरी लोकेशन पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे इसको खोला जाएगा और सर्व करना शुरू किया जाएगा। भाई ये देखो ये खोल दिया और अंदर जो है ये बिरयानी बन के रेडी है। क्या कमाल लग रही है, वाह 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 बहुत जबरदस्त एकदम कमाल। और बरिस्ता, काजू, चावल और अंदर चिकन सब पक चुका है अच्छे से। और इसका साइज चेक करो भाई, अभी घी डाल रहा हूँ। अभी घी डालना है, अभी कुंदू भाई जो है इसमें घी डालेंगे। ये है जी देसी घी और भर भर के कितने किलो डालेंगे? 1 किलो। 1 किलो देसी घी, ये आधा किलो का डब्बा है और ये 1 किलो घी जाएगा। ओ भाई और ये कुंदू भाई की जबरदस्त बिरयानी रेडी। ये सबसे पहले तो गर्म पानी आ गया और ये आ गया जी कलर, ये भाई साहब फूड कलर है। और ये ऊपर से बरिस्ता और ये भाई साहब काजू। इधर जो है मटन बिरयानी तैयार है और ये घी, ओ
क्या बात है यार, कमाल है। इस पे कितना आएगा घी? एक किलो घी आ गया। कुंदु भाई अभी क्या दिखाने वाले हैं? ये बकरे का बिरयानी रेडी है जी। जी इधर देखो भाई, ये बकरे का बिरयानी जो है वो रेडी है। ओहो हो हो हो, कमाल, वाह 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 वाह। ये देखो भाई साहब, मटन के पीसेस एकदम बढ़िया। और कुंदु भाई एक प्लेट लगा के दिखाओ ना। वाह वाह क्या बात है यार, जबरदस्त, अच्छे से खिली हुई बिरयानी जो है ये बन गई है। ये पत्ते के ऊपर, केले के पत्ते के ऊपर बिरयानी जो है उसको सर्व करते हैं। और ये देखो, वाह इधर देखिए, कमाल है, कमाल है, जबरदस्त। अरे वाह, ये अरे वाह क्या बात है, कैच। और भाई साहब अभी हम फिलहाल आ गए गुंडू भाई की उस दुकान पे जहाँ पे भाई बिरयानी की इन्होंने शुरुआत करी थी। सिर्फ 2 साल में इतनी वेटिंग लगती है यहाँ पे, दिन की 200 किलो 2 क्विंटल बिरयानी जो है वो बेचते हैं। और उसके लिए भी एक स्टॉल है, मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान है, एक स्टॉल से 2 क्विंटल बिरयानी। और 2 क्विंटल बिरयानी बनाते कैसे वो आपने देखा है, अब हम आपको दिखाते हैं 2 क्विंटल बिरयानी बिकती कैसे। आ जाओ यहाँ पे, आपके यहाँ पे बिरयानी की वेटिंग लगता है तो कितना कितना वेटिंग लगता है? उधर भी आप देखा है कितना वेटिंग है जी, उधर सब बिरयानी के लिए वेटिंग है जी। इधर बड़ा बड़ा दुकान भी है, एकदम बड़ा दुकान है, उधर वेटिंग है तो कोई बिरयानी लेते, टेस्ट भी अच्छा देता है जी जी, सब लेते क्वालिटी लेता है, इसके लिए कस्टमर पहले आता है। दुकान अभी तक खोला नहीं जी, वेटिंग दुकान टोकन डालने की। क्या बात है, संडे आए तो कवर से टोकन डालने। अरे वाह, वहाँ पे अनलोड हुई बिरयानी और यहाँ पे अभी लोड होने वाली है और कस्टमर जो है ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। और भाई साहब ये देखो बिरयानी जो है डिलीवर हो गई है। इस बाल्टी में भी पैक होके जाती है। 700 ये 700 कितना किलो? 1 किलो 1 किलो 5 दिन खा सकता है। 5 दिन इसको 5 दिन खा सकता है, 5 पीस और 5 अंडा रहेगा। 5 पीस और 5 अंडा रहेगा भाई। ये 1 किलो बिरयानी, 1 किलो के ऊपर बिरयानी 5 लोगों के लिए 700 रुपए में। और भाई कभी आपने बाल्टी में बिरयानी नहीं देखी होगी, यहाँ पे बाल्टी में सर्व करते हैं बिरयानी। बिरयानी का जो पतीला है, जो भगोना है, जो बड़ा सा 60 किलो का पतीला है वो खुल गया है और अब इसमें बिरयानी जो है सर्व की जाएगी। और यहाँ पे भी वही रेट है सर, चिकन बिरयानी 150, मटन बिरयानी 250। और भाई इधर देखो ये बढ़िया बढ़िया पीसेस जो है वो निकल रहे हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कि प्लेट कैसे लगाते हैं। ये देखो गुंडू भाई, आपको ज्यादा कौन सा पसंद है, मटन या चिकन? चिकन ज्यादा पसंद है। ये अंदाज है, और भाई जैसे जैसे प्लेट्स लग रही हैं मेरे पीछे, आप वेटिंग देखो, ये ऑलरेडी लोग जो है अपना अपना टोकन लेके जो है खड़े हो गए हैं। ये देखो अब गुंडू भाई जो है सब तरफ से घिर गए हैं और बिरयानी की प्लेट्स के टोकन लेके सब कोई जो है वो आ गए हैं। भाई साहब आपने KFC की बकेट देखी होगी और बड़े बड़े ब्रांड्स की बकेट देखी होगी, बट यहाँ पे गुंडू भाई की बकेट देखो, बिरयानी 1 किलो बिरयानी 5 लोगों के लिए इनफ है इसमें। इसमें 5 अंडे 5 चिकन के पीसेस और ये बड़ी बकेट बिरयानी की और ये रेडी। क्या बात है। और भाई साहब ये लग रही है हमारी प्लेट, सबसे पहले तो बढ़िया सा ये पीस आ गया, लेग पीस, ये आ गई ऊपर से खिली खिली बिरयानी एंड पर्क। भाई क्या बात है, जबरदस्त। ये 150 का है, ये देखो भाई हैवी ड्यूटी प्लेट है भाई साहब, जबरदस्त। ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो भाई बिरयानी का रंग चेक करो आप, क्या जबरदस्त रंग आया इसके ऊपर। और मैं ना अंदर से वो जो लेग पीस है वो छान रहा हूँ, किधर है ये रहा, और निकल आया भाई। ये देखो एकदम बड़े साइज का, जंबो साइज का लेग पीस है, एकदम गर्मा गर्म है। ओ भाई एकदम सॉफ्ट,
एक पीस जो है वो और तोड़ते हैं। वाह भाई साहब, ये आ गए दो ज़बरदस्त पीसेस, और इसमें थोड़ा सा ये जो है बरिस्ता ये मिक्स करते हैं। ये बरिस्ता आ गया, एंड भाई हियर इज अ बाइट। भाई फ्लेवर से लोडेड है अच्छे से, जैसे लखनवी बिरयानी में मसाले जो हैं वो सारे खड़े मसाले उनको पीस दिया जाता है और फिर उनको छाना जाता है। यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं ना वो आपकी जबान पे आएंगे, आपको बताएंगे कि मैं लौंग हूँ, मैं इलायची हूँ। कमाल टेस्ट है यार। ये अंडा भी तोड़ लेते हैं अच्छे से, और इसके साथ ये चिकन का पीस जो है ये मिक्स करते हैं। ऐसा बहुत गर्मा गर्म है, ये थोड़ा सा अंडा और चिकन अच्छे से मिक्स। हियर इज अ बाइट। ये जो पीछे लाइन लगी है ना भाई, ये लाइन उन लोगों की जो यहाँ पे रेगुलर खाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार गुंडू भाई की बिरयानी खा ली आपको आदत लग जाएगी। भाई साहब उबर हमारी आ चुकी है और यहाँ पे ओला। व्हाट्स योर नेम? विग्नेश। विग्नेश, थैंक यू सो मच विग्नेश, इट्स डन। थैंक यू, आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू भाई साहब, जितना कंटेंट आप देख रहे हो सारा का सारा एक दिन में, लेस देन 24 आवर्स में हमने शूट किया पूरा का पूरा। और अब हम निकल रहे हैं बैंगलोर, और भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 8 घंटे का सफर है, तो देखते हैं क्या सीन्स हैं। सूटकेसेस हमारे बाद आएंगे। विल यू कम टू द सेम लिफ्ट? आप ओके सर, विल वेट सर। कुछ इस तरीके का आज का हमारा ट्रिप है। हम निकल रहे हैं 6:04 पहले, और रात को 1:50 का अराइवल बता रहा है, और भाई साहब 7:54 लगेंगे 440 किलोमीटर। और भाई मैंने सुना है कि ये वाला भी जो एक्सप्रेस वे बहुत सुंदर है, बहुत कमाल का है, जिस तरीके से हाईवे अपना अभी आने वाला था, और आज निकलते निकलते फिर से लेट हो गए क्योंकि वो जो गुंदू बिरयानी और उसके बाद वो जो हमने शूट किया ना रेस्टोरेंट, मजेदार था। बट अब निकलते चलते, अभी हम निकलते हैं भाई साहब। ये अब गाड़ी चलने वाली है यहाँ से। रास्ते में एक ढाबे पे रुके, और यहाँ पे ना 4-5 तरीके के हलवे रखे हुए हैं। ये विच वन इज दिस? इसका नाम नेम? यस नो नो दिस वन दैट यू आर सर्विंग मी, व्हाट इज इट कॉल्ड? तिरुपट्टी? करुपट्टी हलवा। करुपट्टी हलवा, ये है जी करुपट्टी हलवा। और इन्होंने बताया सबसे ज्यादा स्पेशल है यहाँ पे काशू हलवा भी है, घी हलवा भी है, फिर ये एक मस्कट हलवा भी है ये, और इधर तिरुनेलवेली हलवा भी है, और ये एक कोई पाम जैगरी की कैंडी है, और ये हलवा जो है अभी हम ट्राई करते हैं। 100 grams? यस थैंक यू। गिव मी स्पून, या 2 spoons। थैंक यू सो मच। गूगल जी पे? या बोल दो। वन फिल्टर कॉफी एंड वन चाय, वन चाय वन कॉफी, फिल्टर कॉफी। करुपट्टी ना? करुपट्टी, या ओ। तो ये देखो भाई साहब, ये करुपट्टी हलवा है, ये ट्राई करते हैं। बहुत स्वाद है यार, वाह 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 भाई, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। देसी घी, जैगरी, कमाल। ऐसा हमने यहाँ पे खाना शुरू किया और उसके बाद खाते ही चले गए। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? नो रेस्टोरेंट, दिस होटल नेल्लई करुपट्टी कॉफी। एंड वी हैड, हमने यहाँ पे ये बनाना भजी खाई, आलू बोंडा खाया, समोसा। भाई लिटरली इतना अच्छा साउथ इंडियन फूड, इतने अच्छे स्नैक्स हमने शायद अभी तक नहीं खाए यार, कमाल ही हो गया। मतलब एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस सबसे ज्यादा स्वाद खाना। हाँ, नारियल की चटनी देखो, चटनी इतनी स्वाद। भाई साहब साथ में फिल्टर कॉफी भी मिल गई, जिंदगी सेट। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी।
What's your name? Patim. Patim. Yeah. Superb man. आपका नाम? नवीन. नवीन. Yeah. And yours? जयवीर. जयवीर. Superb. Very lucky you guys. Okay, thank you. हमने हलवा खाया भाई, मैं तो दीवाना हो गया, ऐसा हलवा नहीं खाया. और ये जो बनाना भजी है एकदम सटल मसाले, चटनी इतनी जबरदस्त है भाई, मतलब आप उनसे पूछो, मैंने 300-400 ग्राम हलवा खा लिया. सी बताओ क्या बात है यार, चटनी तो वेरी नाइस. सही जगह पे रुके. तू गाइस क्लोज बाय 9:10. No, no, 24 आज तक मैंने जितने भी हलवे खाए हैं साउथ में, ये वाले जो हलवे सबसे बेस्ट थे और सबसे ज्यादा स्पेशल ये वाला. ये थिरुनेलवेली पाम जैगरी हलवा जो है सबसे बेस्ट. भाई साहब मजे आ गए, मतलब लिटरली ऐसा खाना नहीं खाया. हम सिर्फ कॉफी के लिए रुके थे और पेट पूरा फुल हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया, चला नहीं जा रहा, इतना खा लिया, इतना मजा आया. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. यू गाइज आर सुपर्ब एंड वेरी लकी. ये जी दुकान का नाम, अगर कभी भी इस तरफ आओ, ये देखो ये लिखा हुआ है पैडी कॉफी बार, ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड है भाई, ये दुकान है, ये अभी ये पढ़ने की कोशिश कर, अलवा शॉप, ये देखो अलवा शॉप लिखा हुआ है. और ये लाइट्स चल गई हैं, ये देखो आइसक्रीम निले, क्या लिखा है भाई बता दे, नेम ऑफ द शॉप, नेल्ले करुपट्टी कॉफी. एंड व्हाट लोकेशन इज दिस? दिस इज सेलम गजलनाई की पट्टी. ओके भाई साहब, मतलब दिल से आ रहा है यार, यहाँ तो जरूर रुकना अगर कभी इस हाईवे से जाते हो, नेक्स्ट लेवल का खाना है. थैंक यू. थैंक यू. सी यू. थैंक यू. बाय बाय.